नमस्कार। आज आपको हम सिखाएंगे लहसुन की सब्जी। लहसुन जब मैंने पीस लिया है, एक कटोरी लहसुन ले लिया मैंने, इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया। ये गोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको बनाना भी बड़ा आसान है। और एक कप हमें चाहिए दूध। गैस हम चला लेते हैं और धीमी आग में आंच में बनाना है। इसमें देसी घी डालता है, मैंने एक चम्मच देसी घी डाल लिया। इसको गर्म होने देते हैं। ज्यादा भी नहीं डालना, ज्यादा लगे तो उसमें निकाल लो। अब हमने इसमें लहसुन डाल देते हैं। धीमी आंच में बनाना है क्योंकि लहसुन जले ना और कड़छी चलाई जानी है। इसको ब्राउन करना है। थोड़ा थोड़ा भूज रहा है, थोड़ा टाइम तो लगता है, 15-20 मिनट तो लगते हैं इसको। जब धीमी आंच में बनाते हैं तो 15-20 मिनट तो लग जाएगा। ये गोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिससे गोड़े के में दर्द होती है वो खाएं तो बहुत अच्छी है। चटनी की तरह भी आप ले सकते हैं उसको। घी छोड़ रहा अब, 2-4 मिनट में है। इसमें पानी नहीं डलता, दूध डलता है। खुशबू आ रही है, घी छोड़ ही रहा है। 2-3 मिनट और पका लेते हैं। जोड़ों का दर्द, गठिया, कुछ भी हो बीमारी दर्दों की, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जब से घी छोड़ दिया, अब हम इसमें इतनी सी हल्दी, इतनी सी लाल मिर्च, इतना सा गरम मसाला, नमक अपने मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक। अब इसमें दूध डाल देंगे। अब थोड़ा इसको गैस का फ्लो तेज कर देंगे। तो कितना अच्छा कलर आ रहा है। पाँच दस मिनट और रखेंगे। कितना अच्छा कलर आ गया ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपने पहले कभी खाई नहीं होगी ऐसी सब्जी। ये सब्जी की तरह भी खा सकते हो, आप चटनी की तरह भी खा सकते हो। अब तैयार ही हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं।
ऐसी बन गई। आपको जरूर पसंद आएगी, जरूर बनाना और जरूर खाना, और हमें कमेंट जरूर देना कैसी लगी आपको। थैंक यू।